गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज नए ब्लॉग के साथ मैं आई हूँ आप लोग से। तो मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के वहाँ से मैं आई हूँ। और तबीयत ऐसे नहीं, तबीयत ठीक लग रही है मुझे, तबीयत ठीक लग रही है। मैं आप लोग को वीडियो में बताई थी इससे पहले कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरी तबीयत खराब सा रहती है और क्या प्रॉब्लम हो गई है मुझे, क्या हो गई थी डॉक्टर के पास, मुझे भागा भाग डॉक्टर के पास जाना पड़ा, कैसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वही आज की वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तब तक थोड़ी देर में आप लोग से मिलती हूँ, थोड़ा कुछ काम देख लूँ उधर, नाश्ता वगैरह आई हूँ वहाँ से, नाश्ता वगैरह नहीं किया, नाश्ता वगैरह कर लूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताई थी कि मैं क्यों बीमार रहती हूँ, तो चलिए बता रही हूँ आपको, तो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं बीमारी से रहती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए बीमार रहती हूँ। इसमें ऐसा तो लगा ही रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ, कभी पेट दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी चक्कर आना, उल्टी आनी, ये सब तो लगा ही रहता है इसमें। तो इसलिए मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, यानी बीमारी क्या रहती है, इसलिए ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसमें कमर में दर्द भी रहती है, पेट में पता नहीं क्यों। ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक थी मैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कुछ लगा ही रहता है इसमें। देखिए मेरा आँख भी हल्का सा स्वेलिंग, आँख के पास भी देखिए, देख सकते हो यहाँ पर स्वेलिंग भी हो गई, आप देख सकते हो। तो ये सब स्वेलिंग यहाँ पे हो गई है, पूरा आँख के नीचे स्वेलिंग हो गई है। फेस भी अजीब सा हो गया, फेस ना जैसे कि फेस ना अजीब सा एकदम, फेस पे साइन जो होता है वो धीरे धीरे कम हो गया है। देख, तो मैं आपको ये अनाउंसमेंट करना चाह रही थी। और तो बीमार मैं इसलिए रहती हूँ, वैसा कोई मुझे बीमारी मर नहीं है, इसलिए बीमार रहती हूँ। तो और उस दिन मैं डॉक्टर के पास थी, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ गया। मैं आपको जो बताई थी कि अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही थी गई थी, तो उसका रिपोर्ट आ गया, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चे सब कुछ ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। और क्या बताने वाली थी कुछ, हाँ, तो डॉक्टर के पास मैं उस दिन रात को क्यों सुबह सुबह भागी भाग क्यों गई थी, क्योंकि रात को ना आधा रात को जब मैं वॉशरूम गई थी तो थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई थी। तो रात में बहुत ज़्यादा परेशान थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, तो शुरू से ही पेट में दर्द हो रहा है इसमें, लेकिन ब्लीडिंग हो गई। तो ब्लीडिंग का रात में मैं परेशान थी कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चे के साथ कुछ हुआ तो नहीं है, इसलिए मैं भागे भाग डॉक्टर के पास गई थी। तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर उसमें बोला कि नहीं पता है कि मैं बच्ची कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी तो नहीं बता सकते हैं, तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद बताऊँगी। तो वही अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आ गया, सब कुछ नॉर्मल है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग, मेरा एक सेकेंड चैनल भी है, आप लोग वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मेकअप वगैरह, हेयर केयर, स्किन केयर सभी मैं वीडियो डालती हूँ वहाँ पे। अभी कुछ समय से नहीं डालती, कभी कभी रेगुलर नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहता, जिसके कारण मैं मेकअप करने में एक दो दो घंटा ढाई घंटा यहाँ लग जाता है। किचन में आ गई, इसलिए मैंने शाम का सेकंड चैनल बना ली, ब्लॉगिंग का चैनल बना ली, ब्लॉग में डेली में जो भी डेली लाइफ है स्टाइल, उसे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। आप लोग आज एक अच्छी सी टेस्टी सी दाल रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी आसान बनाना भी काफ़ी आसान है। इसके लिए मैं देखिए प्याज कट कर ली, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ, और टमाटर भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली, हरी मिर्च और अदरक लहसुन को इस तरह से मैं बना ली हूँ, देख सकते हो, मीठी नीम सब भूखे बना के। अब मैं दाल बनाऊंगी, इसके लिए मैं जीरा और राई का तड़का डाल के इसमें हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का जो बना हुआ पेस्ट था, पेस्ट नहीं था सब, वो कूटा हुआ था, दरदरा था, और फिर प्याज, मीठी नीम सभी को डाल के हल्का, प्याज को हल्का भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का रेड करना है। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी, टमाटर डाल के इसमें गरम मसाला डाल के हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर डाल के हल्का भूनूंगी। और दाल को मैं भिंगो ली, धो के रख ली थी, उसका सारा पानी निकाल दी थी, उसके बाद उसे 5 मिनट तक भूनूंगी दाल को। उसके बाद से जितना पानी डालना हो अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, जितना फैमिली आपका उसके अकॉर्डिंग से पानी डाल।
चावल हो गया है, दाल हो गया है, अब मैं सब्जी बनाऊंगी। बहुत गर्मी, किचन में बहुत गर्मी लगती है, तो अब मैं सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी है अरबी की सब्जी है, तो उसे मैं छीलूंगी पहले। बहुत गर्मी लग रही थी किचन में, तो मैंने आप लोग से ही दाल, जो दाल मैं बनाई वो काफ़ी टेस्टी दाल होता है, काफ़ी टेस्टी, आप लोग बना के देखना, काफ़ी टेस्टी होता है। इस रेसिपी को एक बार बना के देखना, ट्राई करना, काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी यूट्यूब से ही सीखी थी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक दो बार बनाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सोची आज बनाने जा रही, तो आप लोग से शेयर कर दे रही हूँ। तो फिर चलिए अब सब्जी जाते हैं काटने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। घी में डाल के उसके इस तरह से कुकर ढक दो ताकि जितनी खुशबू उसके बाहर न निकले, उसके अंदर ही रहे। इस तरह से मेरा दाल रेडी है, देख सकते हैं, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। ट्राई आप लोग कीजिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्टी। अब सब्जी बनाने चल रही, तो अरबी का सब्जी है। अभी रात की बज रही है 12, तो अब सोने जा रहे हैं और डिनर वगैरह हो गया है, अब सोने जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।